बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि सब लोगों को पता है कि आजकल एक वायरस जो है वो फैला हुआ है और तमाम वर्ल्ड वाइड जो है वो ये वायरस फैल चुका है, एक वबा फैल चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि पूरी सप्लाई चेन जो है वो हिट हो चुकी है, अफेक्ट हो चुकी है। सही है, तो एक आर्टिकल इस पर लिखा गया है पैरल हैरन की जानिब से, हाउ कोरोना वायरस कुड इम्पैक्ट द ग्लोबल सप्लाई चेन बाय मार्च, इसको हम देखते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले आगे इस जो आर्टिकल के अंदर कुछ वोकैबुलरी यूज हुई है पहले उसको देखेंगे, लर्न ग्लोब वोकैबुलरी। सही है, बिफोर स्टार्टिंग द आर्टिकल वी लर्न ग्लोब वर्ड्स। सार्स, इस आर्टिकल के अंदर एक सार्स लफ्ज यूज हुआ है। सही है, ये एक वायरस पहले भी आ चुका है 2002 के अंदर गोडोंग प्रोविंस के अंदर चाइना के अंदर। सही है, इस सार्स क्या था, इसके एब्रिविएशन के सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सही है, ये एक वायरस आया था 2002 में गोडोंग में प्रोविंस चाइना के अंदर। सही है, इसके अलावा एपिडेमिक, इसके मायने अगर किसी को पता है तो बताएं। सही है, वबा फैलने वाली, वबा इसके मतलब है वबा। ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि ये आर्टिकल के अंदर वोकैबुलरीज है ताकि आप लोग इसको समझ लें कि ये आखिर आगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये वर्ड पता होने चाहिए मतलब क्या है। बैट्स, बैट्स इस वर्ड इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि आगे जाके समझाऊंगा कि ये वर्ड मैं यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैट्स कहते हैं चिंगादड़ को। सही है, सिवर कैट्स कहते हैं, ये तस्वीर मैंने लगा दी है, मुझे भी खुद भी नहीं पता कि सिवर कैट्स कैसे कहते हैं, लेकिन चाइनीज इन्हें खाते हैं जिसकी वजह से ये वबा फैली थी। बैट्स और सिवर कैट्स ये खाते थे जिसकी वजह से ये एनालाइजर ने ये अज्यूम किया कि ये वबा जो है इन दो जानवरों की वजह से, खाने की वजह से फैली है, जो 2002 में आई थी सार्स कोरोना वायरस, जो ये भी कोरोना वायरस की उससे ही मशहूर है। हिस्ट्री देख लेते हैं सार्स की, कि सार्स की हिस्ट्री क्या थी। सार्स जो है वो आइडेंटिफाई हुई 2002 के अंदर गोडोंग प्रोविंस के अंदर। सही है, उसके बाद ये वबा 26 कंट्री के अंदर जो है वो फैल गई और 80,000 केस जो है इसके रिपोर्ट हुए। सही है, उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या से, इसके सिम्टम्स सेम कोई कोरोना वायरस वाले इन्फ्लुएंजा होता है और वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मलेरिया हो जाता है, हेडेक होता है, फीवर होता है। सही है, अच्छा जब ये वबा नहीं फैली थी, सही है, उस वक्त चाइना की जो जीडीपी थी, जीडीपी के क्या है आप लोगों को पता है, जीडीपी ये होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जब बढ़ती है तो अच्छी है, जब गिरती है तो खराब है, ये जीडीपी का एक फिनोमेना है। सही है, अच्छा जीडीपी जब ये वबा नहीं फैली थी तब चाइना की जीडीपी थी 16%, ये वबा फैलने के बाद पूरी दुनिया में चाइना की जीडीपी हो गई 4.31%। अच्छा इस टॉपिक पे आते हैं कि बेसिकली सप्लाई चेन है क्या, सप्लाई चेन होती क्या है, सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, पहले भी ऐसी कंट्री मतलब मुल्क चल रही थी कंपनियां बगैर सप्लाई चेन के भी चल रही थी, सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट क्यों आया। सप्लाई चेन बात ही करता है कॉस्ट मिनिमाइजिंग की, कॉस्ट सेविंग की। सही है, तो इसलिए सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट आया। सप्लाई चेन जब कॉस्ट सेविंग की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी क्या यूज करता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग यूज करता है कॉस्ट मिनिमाइजिंग के लिए। सही है, ऑफशोरिंग यूज करता है, आउटसोर्सिंग यूज करता है। ऑफशोरिंग से क्या मुराद है, ऑफशोरिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी दूसरे मुल्क से, जैसे मिसाल के तौर पर कोई दूसरी कंपनी हमारी कंपनी से, मिसाल के तौर पर जूस की मिसाल ले लेते हैं कि एक दूसरी कंपनी ईरान जो है वो जूस पाकिस्तान से बनवा रहा है, तो ये ऑफशोरिंग है। लेकिन इंटरनली कोई चीज आउटसोर्स करना वो आउटसोर्सिंग कहलाती है, हमने लेबर आउटसोर्स कर दी, हमने जो है वो कोई यूनिट आउटसोर्स कर दिया। सही है, तो ये आउटसोर्सिंग कहलाता है, ये फर्क है ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग के अंदर। अच्छा रिड्यूस सप्लाई चेन, जब ये तीनों चीजें स्ट्रेटेजी आई, ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग और लीन मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट मिनिमाइजिंग के लिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेंट्री कैरी करना शुरू कर दिया। सही है, 15 से 20 दिन की इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, ये डिपेंड करता है सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी पे, हर कंपनी की अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी होती है तो वो उस हिसाब से इन्वेंट्री कैरी करते हैं। जब इन्वेंट्री कैरी करते हैं तो इधर ही डिस्ट्रप्शन आती है, यहीं पर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। कैसे डिस्ट्रप्शन आती है, कि आपने 30 दिन की इन्वेंट्री कैरी करी हुई है, आपको एकदम से पता चला कि वबा फैल गई। सही है, पोर्ट बंद हो गए, आप इन्वेंट्री कैसे कैरी करेंगे, आपकी तो प्रोटेक्शन रुक गई, आपका मतलब पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई।
आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि 30 दिन की आप जो है वो चाइना से इन्वेंट्री बनाए अपने पास रखेंगे, लेकिन चाइना में जो है वो विंटर सीजन की वजह से 30 दिन की छुट्टियां आनी थी और 30 दिन के फौरन बाद जो है एक वबा फैल गई जिसकी वजह से एक महीने और मजीद बंद हो गया। इसकी वजह से तमाम कंपनियां डिस्टर्ब हुई हैं और आगे उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे किस तरीके से डिस्ट्रप्शन आई है। वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री क्या कहती है डिस्ट्रप्शन ऑफ SCMP, सही है। 2002 के अंदर आया जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, उसके अंदर डिस्ट्रप्शन आई थी, उनकी GDP लो हो गई थी, सही है। द मार्च आइसलैंड वोल्कानो इरप्शन आई थी, यानी एक आतिशफुजा फैला था जिसकी वजह से जो है तमाम फ्लाइटें और ये चीज़ें कैंसिल कर दी गई थी, उस वक्त भी डिस्ट्रप्शन आई सप्लाई चेन की। जापान के अंदर अर्थक्वेक आया, सुनामी आया मार्च 2011 के अंदर, जो जापान से हम लोग चीज़ें खरीद रहे होंगे तो डिस्ट्रप्शन सप्लाई चेन की पाकिस्तान के अंदर आई होगी। ऑटोमोबाइल में आगे बताएंगे भी किस तरीके से आया। द फ्लड आया थाईलैंड के अंदर, सही है, और इसी तरीके से डिस्ट्रप्शन है। अच्छा, एप्पल के अब इससे जो डिस्ट्रप्शन आई है इससे हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूं। व्हाट इंडस्ट्री फेस आफ्टर कोरोना, क्या क्या इंडस्ट्रियों ने फेस किया। क्रिसलर ऑटोमोबाइल ने फेस किया कि फरवरी 14 को इट इज टेम्परेली हेल्टिंग प्रोडक्शन एट अ कार फैक्ट्री इन सर्बिया बिकॉज इट कांट गेट पार्ट्स फ्रॉम चाइना, चाइना से पार्ट नहीं सकते तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन रोक दी। हॉन्डाई ने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन सस्पेंड कर दी, सही है। और इसी तरीके से एप्पल ने क्या किया कि क्वार्टरली बेसिस पर इनकी लोअर हो गई प्रीवियसली जो इनकी सेल थी। इसी तरीके से ग्लोबल कस्टमर पैकेज था उसकी जो है वो 50% सेल जो है वो नीचे आ गई। चाइनीज पोर्ट्स हैड डिक्रीज बाय 20% दीस डेज, सही है, ये सेल खत्म हो गई। अच्छा, इस आर्टिकल के अंदर यही पूरा आर्टिकल जो कवर कर रहा था सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को कवर कर रहा था, और इसके अंदर एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स है इसी तरीके की कि हम जो है वो रिलाय कर रहे होते। बेसिकली सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शन है ना वो है इस तरीके की कि हम वल्नरेबल कंपनीज जो है ना जो हेल्पलेस कंपनीज है वो डिपेंडेंट हो गई हैं ऑफ शोरिंग करके किसी दूसरी कंपनी पर, यानी चाइना पर हम लोग रिलाय करने लगे, हम चाइना पर बिल्कुल रिलाय हो गए। हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑफ शोरिंग करी हुई है चाइना से तो इसलिए हम डिपेंडेंट हैं बिल्कुल चाइना पे। अब चाइना बंद हो गया तो उसकी वजह से हम भी, हमारी कंपनी को भी, तो जहाँ सप्लाई चेन के फायदे हैं वहाँ सप्लाई चेन के नुकसान भी है क्योंकि ऑफ शोरिंग से नुकसान भी है, आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए, सही है। ये था इस आर्टिकल का मकसद, इस आर्टिकल की समरी फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।